कैसे हैं दोस्तों? आइए हम उसके आगे स्टार्ट करते हैं। हमने वाच्य बता दिया था, ठीक है। वाच्य के बाद आइए हम लिंग पे चलते हैं। लिंग लिंग मुख्यतः होते हैं दो प्रकार के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। यहां से क्वेश्चन एक बनता है कि इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है, इनमें से पुल्लिंग कौन सा है। तो देखिए, जो देशों के नाम होते हैं, कोई भी देश का नाम हो, पुल्लिंग होगा, भारत, अमेरिका, जापान, रूस, ठीक। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होंगे, अनाजों के नाम पुल्लिंग होंगे, मक्का, सरसों, अरहर को छोड़ करके, क्योंकि मक्का, सरसों, अरहर स्त्रीलिंग है। यह अपवाद है। शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होंगे, धातुओं के नाम पुल्लिंग होंगे, सिर्फ चांदी को छोड़ करके, चांदी अपवाद है, स्त्रीलिंग है। ग्रहों को पुल्लिंग कहेंगे, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग कौन हो सकते हैं? देखो, जितनी भाषाएं हैं, लिपियां हैं, जितनी नदियां हैं, जितनी बोली हैं, सब स्त्रीलिंग होंगी। मतलब भाषाएं, कोई भी भाषा, अंग्रेजी, हिंदी, मतलब कोई भी भाषा हो, लिपियां, रोम, ब्राह्मणी, सब जो है आपकी स्त्रीलिंग होंगी। नदियां स्त्रीलिंग होंगी, बोली, खड़ी बोली स्त्रीलिंग होगी। उभयलिंग, उभयलिंग मतलब स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो। उभयलिंग मतलब स्त्रीलिंग भी हो और पुल्लिंग भी हो, वो उभयलिंग होगा। जैसे हमने कहा डॉक्टर, तो डॉक्टर सब क्या है? उभयलिंग है। डॉक्टर स्त्री भी हो सकती है, डॉक्टर पुरुष भी हो सकता है। हमने कहा मंत्री, मंत्री उभयलिंग है, पुरुष भी हो सकता है। मतलब जो पुरुष भी हो और स्त्री भी हो, वो उभयलिंग होगा। समझ रहे हो? अध्यक्ष, मंत्री, सचिव, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब क्या है? उभयलिंग है, ठीक। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग मतलब जो निर्जीव हो, वो नपुंसक लिंग होंगे, जो निर्जीव। मेज, मेज जो निर्जीव, जिसमें जान नहीं, वो नपुंसक लिंग होंगे, ठीक। भाववाचक संज्ञाएं, ध्यान, भाववाचक संज्ञाएं जिनके अंत में त्वा, वा, या है। त्वा मतलब गुरुत्व, वा मतलब गौरव, वा असुर, या, जिनके अंत में ये शब्द है वो पुल्लिंग होंगे, भाववाचक संज्ञा, ठीक। जिन शब्दों के अंत में पा, पन, आव, आवा, खाना हो, जिन शब्दों के अंत में ये जुड़ा हो, अंत में हो, देखो, पा, पन, आव, आवा, खाना। जैसे हमने कहा बुढ़ापा, मोटापा, बचपन, घुमाव, बुलावा, पागल, खाना, ये सब क्या होंगे? ये पुल्लिंग होंगे, ठीक है। स्त्रीलिंग कौन कौन से हो सकते हैं? जिनके, जिन शब्दों के अंत में, देखिए, आई, या, आवट, आहट, ता, या प्रत्यय हो, वो सब स्त्रीलिंग होंगे। जैसे हमने कहा लिखाई, डिबिया, मिलावट, घबराहट, सुंदरता आदि। अब देखो, आकारांत शब्द, आकारांत शब्द, देखो, आकारांत शब्द मतलब जो लास्ट में बड़ा हो, शब्द के अंत में बड़ा हो, आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होंगे। जैसे हमने कहा लता, रमा, ममता, देखो बड़ा बड़ा बड़ा, ठीक। इकारांत शब्द या इकारांत, इकारांत मतलब लास्ट में छोटी की मात्रा हो, इकारांत मतलब लास्ट में बड़ी की मात्रा हो, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे रीत, तिथिहान, इकारांत, देखो रीत छोटी, तिथि में छोटी, हानि में छोटी, ये तो इस, ये जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। लेकिन इनके कुछ अपवाद है, कपि, कपि, कवि, रवि, ये पुल्लिंग होंगे। रीत, तिथि, हान, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन ये तीन अपवाद है, ये पुल्लिंग होंगे। अब जिनके लास्ट में बड़ी ई होगा, वो जो है स्त्रीलिंग होंगे, लेकिन उसमें भी अपवाद है। देखो नदी, टोपी, रोटी, बड़ी है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथी, दही, पानी, ये अपवाद है, ये पुल्लिंग होंगे। अब अकारांत या आकारांत शब्द पुल्लिंग होंगे, अकारांत या आकारांत सब पुल्लिंग होंगे, मतलब लास्ट में छोटा आय होगा या बड़ा आय हो, बड़ा आय हो, वो पुल्लिंग होंगे। राम, सूर्य, क्रोध, देखो मां, आ निकल्ला, सूर्य आ निकल्ला, क्रोध आ निकल्ला, तो क्या होंगे? पुल्लिंग। अब देखो चीता, कपड़ा, गधा, बड़ा आ निकल रहा है, ताड़ा, गधा, धा, तो ये क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, ठीक। ये लिंग से छोटा था, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह से जानते हो क्वेश्चन बनेगा, मतलब अल्प विराम मतलब ऐसे लगेगा, अर्ध विराम मतलब ऐसे लगेगा, योजक चिन्ह ऐसे लगेगा, निर्देशक चिन्ह ऐसे लगेगा, विवरण चिन्ह ऐसे लगेगा,
उद्धरण चिन्ह ऐसे लगेगा, ध्यान रखना, हंसप्रद चिन्ह ऐसे लगेगा, लोप सूचक चिन्ह ऐसे लगेगा, पुनरुक्त सूचक चिन्ह ऐसे लगेगा। मतलब जैसे हमने कहा कई बार, अब यहां पे हमने लिखे ऐसे कर दे तो ये हो जाता है आपका लोप, ये आपका पुनरुक्त सूचक शब्द हो जाता है। तो यहां से ध्यान रखना, विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आएगा, अपने डायरी में आप लिख लेना विराम चिन्ह एक क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा। वचन देखो, वचन कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। देखो वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। मतलब वचन मतलब एक और अनेक होने का ज्ञान हो तो उसे वचन कहते हैं। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइन, ध्यान रखना यहां इतने से आएगा आपको वचन में, ध्यान रखना। कुछ शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, आकाश समान हवा सामग्री आग छाया जल, हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू बहुत इंपॉर्टेंट, केस बाल बहुत इंपॉर्टेंट, दर्शन प्राण, हस्ताक्षर प्रजा, समाचार रोम, होश लोग, अक्षत अश्रु धाम, ये हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। एक वचन शब्द के साथ, एक वचन के साथ जन गण वृंद लोग लगाने से बहुवचन बना सकते हैं। जैसे गुरु एक वचन है, गुरु के साथ जन लगा दे गुरुजन हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अध्यापक के साथ अध्यापक गण लगा दे बहुवचन हो जाएगा। भक्त एक वचन है, भक्त गण आपका बहुवचन हो जाएगा। मजदूर मजदूर एक वचन है, मजदूर लोग बहुवचन हो जाएगा। ऐसे द्रव्यवाचक संज्ञाएं हमेशा एक वचन में रहेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द्रव्यवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहेंगी, ठीक है। तेल घी पानी दूध दही लस्सी रायता जल वर्षा, धातुओं की जात हमेशा एक वचन में रहेगी, ध्यान रखना। भाव द्रव्यवाचक संज्ञा और धातुएं एक वचन में रहेंगी। देखो सोना चांदी स्टील धन कोबाल्ट निकिल ये सब धातुएं जो है एक वचन में रहेंगी, ठीक। अच्छा आगे देखो, शुद्ध शब्द, जो शुद्ध शब्द है ये परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जहां तक जो है अध्ययन किया है, जो कई बार पूछे गए हैं शब्द जिन पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, जिन पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, वही शब्द मैं आपको बताऊंगा। जैसे ध्यान रखना मेरे मुंह से निकला हुआ अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी ऐसे लिखा जाता है। कवयित्री पूजनीय उज्ज्वल डबल जा, ध्यान रखना। उपरयुक्त आनुषंगिक अनुग्रहित अंतर्धान श्रृंगार ऐसे, ये श्रृंगार सही है, ठीक। वाड्मय हिरण्यकशिप विरहिणी आशीर्वाद शुश्रूषा ईर्ष्या वाड्मय ज्योत्सना कुमुदनी आविष्कार पुरस्कार अद्वितीय वाल्मीकि महात्म्य अध्ययन रचयिता अन्वेषण प्रदर्शनी व्यावसायिक शरतचंद्र स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता पुनरुत्थान प्रादुर्भाव दौर्बल्य अन्योन्याश्रित मंत्रिमंडल तिलांजलि उन्नति सांकत्यायन अहल्या 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 नहीं होता अहल्या होता है भागीरथी सम्मत औपचारिकता रचयिता संगीतज्ञ शताब्दी परिस्थित समुज्ज्वल अमावस्या टिप्पणी द्वारका कैलाश कृपा नैमित्तिक अप्रत्याशित द्वंद युधिष्ठिर उद्ग्रीवा, ये शब्द पक्का एक ना एक क्वेश्चन यहां से आपको बनेगा ही बनेगा। ध्यान रखना ये शब्द कैसे लिखे जाते हैं, स्क्रीनशॉट खींच करके आप देख लेना, ठीक है, और प्लस इसको देखना है कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है। ये शुद्ध शब्द हो गए, ठीक। अच्छा अब आगे हम बढ़ते हैं एक टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए वाच्य हो गया, अब हम बढ़ेंगे वाक की, ठीक है, वाक की।
शब्दों का ऐसा समूह, ठीक है, जिससे कोई अपेक्षित अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। वाक्य मुख्यतः जो है दो भागों में बांटा गया है, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, वाक्यों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, रचना के आधार पर वाक्य, अर्थ के आधार पर वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र या मिश्रित। सरल वाक्य, सरल वाक्य जिसमें एक कर्म एक क्रिया एक कर्ता होता है, जैसे हमने कहा राम खाना खाता है, ये क्रिया एक कर्म एक कर्ता, एक कर्ता एक कर्म एक क्रिया हो, वो सरल वाक्य। बाकी सरल वाक्य जो हम लोग बोलते हैं सब सरल वाक्य, ठीक है। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जब देखो दो छोटे छोटे या दो से अधिक उपवाक्य एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं, दो छोटे छोटे अथवा दो से अधिक उपवाक्य एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हों तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा। कैसे, जैसे हमने कहा राम मेला गया और वापस आया, देखो और से दो वाक्य जुड़े हैं, राम मेला गया झूला झूला और वापस आया, तीन जुड़े हैं, ठीक। तो बीच में कुछ शब्द ऐसे आते हैं योजक चिन्ह समुच्चय बोधक चिन्ह जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ते हैं, जैसे इसलिए और एवं ता ताकि, ठीक है, किंतु परंतु, सच झूठ बोलो सच बोलो परंतु असत्य नहीं, परंतु किंतु, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनसे दो वाक्य जुड़े हों यहां पर अथवा, ठीक है, तो वो संयुक्त वाक्य होते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। देखो मिश्र या मिश्रित वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें ये होता है कि एक वाक्य होता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, मिश्र एक वाक्य होता है जिसमें दो सेंटेंस होते हैं, ठीक। ये होता है मुख्य, ये होता है गौड़। ये गौड़ जो सेंटेंस होता है वो मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है, गौड़ सेंटेंस मुख्य वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है। यदि हमें मुख्य वाक्य पता चल जाए तो हम गौड़ अपने आप बना लेंगे। हमने कहा यह वही लड़का है जिसने, अब गौड़ वाक्य अपने आप बना दो, जिसने चोरी की, जिसने लड़ाई की। हमने कहा यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, अपने आप बना दो। मतलब एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करेगा, ध्यान रखना, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर करेगा। अगर प्रथम वाक्य आपको पता चल जाए तो दूसरा तो अपने आप बन जाएगा। यदि मेहनत करते तो सफलता जरूर मिलती, समझ रहे हो बात को, ठीक। तो ऐसे मिश्रित वाक्य हो जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर तीन, अर्थ के आधार पर आठ, जिसमें से पहला है आपका सिंपल सा साधारण, ठीक, राम घर जाता है ऐसे करके, ठीक। एक है विधानवाचक वाक्य, ठीक, नंबर वन विधानवाचक वाक्य। विधान मतलब जब सत्यता की जांच हो, सत्यता की परख हो तो विधानवाचक वाक्य होगा, या जब क्रिया बार बार हो तो विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे हमने कहा सूर्य पूरब से निकलता है, तो देखो जिंदगी भर सूर्य पूरब से निकलता रहेगा, ये विधानवाचक वाक्य है। हमने कहा हम कॉलेज रोज जाते हैं, तो हम रोज कॉलेज, ये लगातार क्रिया हो रही है, तो ये क्या होगा, विधानवाचक होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, आप जानते हैं प्रश्न का भाव उत्पन्न होगा। नकारात्मक वाक्य, नहीं लगा होगा, नकारात्मक होगा। विस्मयाद बोधक वाक्य, पता है, ठीक है, विस्मयाद बोधक वाक्य में आपको जो है ऐसे होगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह लगा होगा, ठीक। संदेहवाचक वाक्य में आपका संदेह होगा, संदेह का पता चलेगा। जैसे हमने कहा शायद कल बारिश हो, पक्का नहीं, संदेह है। हमने कहा संभवता कल, संभवता वह सुधर जाए, पक्का नहीं है, ठीक। शायद मैं कल दिल्ली जाऊं, पक्का नहीं है। आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक, आज्ञा मतलब आज्ञा दो, चुप रहो बैठ जाओ। इच्छावाचक वाक्य होता है, इच्छा मतलब हमारी इच्छा क्या हो, उसमें आशीष शुभकामनाएं आ जाती हैं, नव वर्ष मंगलमय हो, हमारी इच्छा 2 किलो आम खाने की है, ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये वाक्य सिंपल था। मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही से क्वेश्चन आता है। संयुक्त वाक्य और एवं इसलिए ताकि किंतु परंतु, ठीक है,
इसी से आपस में सेंटेंस जुड़ा होगा और आपको बताना होगा। मिश्र वाक्य में एक सेंटेंस दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। पहला वाला सेंटेंस हमें पता चल जाएगा तो गौड़ वाला मैं तुरंत अपने आप बना लूंगा। ठीक, ये हमारा वाक्य हो गया। अच्छा ठीक है, आगे देखो, बहुत ही चर्चित लेसन है एग्रीकल्चर टीए और टेक्निकल असिस्टेंट जो हमारे और शुगर केन वगैरह जो जुपिटर वाले एग्जाम करता है, पक्ष और वृत्ति। समझ लो, पक्ष चार प्रकार का होता है, नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष। नित्य पक्ष या आवृत्ति मूलक पक्ष नंबर वन, इसमें क्या होता है, वाक्य के अंत में ता लगा होगा, कार्य बार बार होने का बोध होगा। समझ रहे हो, नित्य पक्ष में लास्ट में ता आएगा, कोई भी सेंटेंस आएगा और कार्य बार बार होने का बोध होगा। सूर्य पूरब से निकलता है, देखो ता रहा, माँ रोज खाना बनाती है, ता रहा, ये क्रिया बार बार होगी, ये हमारा हो जाएगा नित्य या आवृत्ति मूलक पक्ष। सातत्य बोधक पक्ष, सातत्य बोधक पक्ष मतलब क्रिया लगातार चलती रहेगी। सातत्य बोधक पक्ष में क्रिया लगातार चलती रहती, खत्म नहीं होगी। हमने कहा पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ते ही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक, ये सिस्टम और रहे हैं, ये जो है सातत्य बोधक में आएगा अंत में जरूर। ठीक, पूर्ण पक्ष, कार्य का पूरा हो जाना, मैंने पत्र लिख लिया, ठीक, या मैं पत्र लिखा हूं, कार्य पूरा हो गया। ठीक है, स्थित्यात्मक पक्ष, स्थित्यात्मक पक्ष मतलब किसी कर्ता विशेष की स्थिति का पता चलेगा। जैसे हमने कहा मैं अध्यापक हूं, तो मेरी स्थिति क्या है, अध्यापक। हमने कहा पुस्तक मेज पर है, तो मेज पुस्तक की स्थिति क्या है, मेज पर। यह स्थित्यात्मक पक्ष हुआ। वृत्ति, वृत्ति जो है पांच प्रकार की होती है। देखो, वक्ता की मानसिक अभिवृत्ति या मूड का पता चलता है, यह पांच प्रकार की होती है। आज्ञार्थमक वृत्ति, आज्ञार्थक वृत्ति मतलब आज्ञा दो, आज्ञा, ऐसे सेंटेंस आएंगे जिसमें आज्ञा का उत्पन्न होगा। ठीक, संभावनात्मक, संभावना का, जैसे हमने बताया शायद कल बारिश हो, संभावना है, तुम घर जाओ, आज्ञा है। ठीक, अब देखो सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य मतलब तुम्हारी शक्ति का पता चला, क्या तुम ये काम कर सकते हो। हमने कहा मैं खाना बना सकता हूं, मतलब हमारे अंदर खाना बनाने की शक्ति है, मैं नाच सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं, शक्ति है। ठीक, ये सामर्थ्य सूचक शक्ति। बाध्यता सूचक शक्ति, देखो बाध्यता सूचक में क्या आएगा, इसमें जो है काम करने की बाध्यता पाई जाएगी। जैसे हमने कहा कि आपका 10 बजे का ऑफिस है, तो हमने कहा हमें ऑफिस 10 बजे पहुंचना है, मतलब बाध्यता है, हमारी तबीयत खराब हुई, हमें दवा खाना जरूरी है, मतलब कुछ चीज़ों में बाध्यता होती है। 9 बजे का स्कूल, हमें 9 बजे स्कूल पहुंचना है, ये बाध्यता होती है। ठीक, लास्ट है निश्चयार्थ वृद्धि। निश्चयार्थ मतलब निश्चित हो, किसी चीज की निश्चितता का बोध हुआ, पता चले। जैसे हमने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, निश्चित है, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा, निश्चित है, मैं कल नीरज सर का वीडियो देखूंगा, निश्चित है। ओके, तो ये पक्ष चार होते हैं, वृत्ति पांच होती है। यहां से 100% क्वेश्चन आएगा पक्ष और वृत्ति से। डन। काल देखो, काल से क्वेश्चन आता है, जब कार्य करने के समय का बोध हो। जब कार्य करने के समय का बोध होगा तो उसे हम काल कहेंगे। काल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। वर्तमान काल जो समय चलता है वो वर्तमान काल होता है। जैसे हमने कहा बच्चा रोता है, मतलब रो रहा, वर्तमान है, चल रहा, रो रहा है। ठीक, अच्छा, सामान्य, ये तीन प्रकार का होता है वर्तमान काल, तीन प्रकार का, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। ठीक, सामान्य वर्तमान मतलब बिल्कुल वर्तमान, बच्चा रो रहा है। संदिग्ध वर्तमान बच्चा रोता होगा। ठीक है, जो इसमें जो है संदिग्ध होगा, अपूर्ण मतलब वो काम पूरा नहीं होगा वर्तमान में। ठीक है, अब देखो भूतकाल में क्या है। ठीक, भूतकाल में जो समय बीत चुका है वो भूतकाल होता है। भूतकाल जो समय बीत चुका है, मतलब जैसे हमने कहा वर्षा हुई थी, मतलब पिछले समय में वर्षा हो चुकी थी, हमने कहा वर्षा हुई थी, जो समय बीत चुका है इसे हम भूतकाल कहेंगे। ठीक, इसके छह भेद हैं, भूतकाल के छह भेद हैं। सामान्य भूत,
सामान्यभूत। पहला सामान्यभूत में क्या है, काम का बीते हुए समय में पाया जाना। सामान्यभूत में काम का बीते हुए समय में पाया जाना, जैसे हमने कहा वर्षा हुई सीता गई, मतलब कुछ समय हो गया, वर्षा हो गई और सीता चली गई, वर्षा हुई सीता गई। ठीक, आगे देखो आसन्न भूत, भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी समाप्त हुआ। आसन्न भूत ये होगा कि काम पहले शुरू हुआ होगा और अब खत्म हुआ होगा। जैसे हमने कहा गाड़ी आई, मतलब गाड़ी पहले चली होगी अब तो आई है ना, पहले चालू हुआ होगा काम अब खत्म हुआ होगा। ठीक, ये हो रहा है आसन्न भूत, कहा गया। ठीक, अच्छा हाँ, उसने लड़ाई की, उसने लड़ाई की मतलब शुरुआत तो पहले की होगी। ठीक है, अच्छा पूर्ण भूत, काम भूतकाल में पूरा हो गया था। पूर्ण भूत में क्या होगा, तीसरा है काम भूतकाल में पूरा हो गया था। ठीक, तो हमने कहा मतलब कुछ समय पहले पूरा हो गया था, कुछ समय पहले हमने कहा कि गाड़ी आई थी, वर्षा हुई थी। ठीक है, अपूर्ण भूत, काम भूतकाल में जारी रहने का पता चलता है, भूतकाल में जारी, अपूर्ण भूत मतलब खत्म ना हो। ठीक है, भूतकाल में जारी रहने का पता, लड़के आ रहे थे। ठीक है, अच्छा वर्षा हुई होगी, ये संदेह भूत है। ठीक, अब संदिग्ध भूत, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, संदिग्ध भूत बहुत आता है। संदिग्ध भूत मतलब क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह, संदेह वर्षा, देखो क्रिया के कहा गया संदिग्ध भूत, क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह, वर्षा हुई होगी, वर्षा हुई होगी पता नहीं, संदिग्ध है, संदेह है। भविष्यकाल, आने वाले समय का बोध, गागी गे, जहां पर गागी गे लगे हैं वो भविष्यकाल हो जाएगा। ठीक, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, देखो ये तीन प्रकार का, सामान्य भविष्य, सामान्य भविष्यकाल, भविष्य में होने वाली क्रिया के समान रूप में, जैसे मैं खेलूंगा। ठीक, संभाव्य भविष्य मतलब यहाँ संभावना व्यक्त की जाएगी, भविष्य में कार्य होने की संभावना, शायद वह चला जाए। ठीक है, ठीक, हेतु, हेतु मत भविष्यकाल, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर रहेगा, जैसा कि हमने सेंटेंस बताया था मिश्र या मिश्रित वाक्य, वैसा है हेतु, हेतु मत काल, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। ठीक, ये हमारा काल हो गया, इसमें से एक सेंटेंस आएगा। ठीक, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध वर्तमान काल, यही दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। आगे देखिए हिंदी का इंग्लिश रूपांतरण, हिंदी जो है उसका इंग्लिश रूपांतरण, ये कई बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आपको हिंदी दे देगा कहेगा इंग्लिश बनाओ, आपको इंग्लिश दे देगा कहेगा हिंदी बनाओ। जैसे हमने कहा अधिसूचना, अधिसूचना को इंग्लिश में कहते हैं नोटिफिकेशन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को कहते हैं कथन। अगर स्टेटमेंट पूछा जाए, स्टेटमेंट कथन, जैसे कि समरी, समरी मिस होता है संक्षेपण, कमेंट, कमेंट मिस होता है टिप्पणी, इंफॉर्मेशन मिस होता है सूचना, फ्रेश ब्लड मिस होता है नया खून, इनक्लोज मिस होता है संलग्न, इंडोर्समेंट मिस होता है पुष्ट या प्रस्थांकन, अमेंडमेंट मिस होता है संशोधन, वेरिफिकेशन मिस होता है सत्यापन, स्पेसिमेन होता है प्रतिरूप या नमूना, एफिडेविट मिस होता है शपथ पत्र, प्रपोजल मिस होता है प्रस्ताव, एडजस्टमेंट मिस होता है समायोजन, डिस्क्रिप्शन मिस होता है विवरण। ठीक, ये हो गया। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, बहुत सरल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा होगी आपको एक मिलेगा जरूर कि यह उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय आपको जरूर मिलेगा। देखो उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग पहले लगता है, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो यहां पर कुछ मैंने लिखा है, यही से आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, यही से मिलेंगे, आप इसको खींच लेना और जूम करके देखना, इसी से आएगा। उपसर्ग पहले लगता है, जैसे हमने कहा अतिशय, अतिशय में कौन सा उपसर्ग है, अति, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, उपसर्ग पहले लगता है। ठीक, जैसे उपसर्ग पहले लगता है, इसमें देखो अति, अतिशय बनेगा अतिशय, अत्याचार। अब देखो जैसे हमने कहा अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको क्या करना है, उपसर्ग जिसमें दूसरे नंबर पर जब आधा अक्षर हो, दूसरे नंबर पर जब आधा अक्षर हो, देखो आधा अक्षर है,
तो हमें उपसर्ग बनाना क्या करना है, जो आधा अक्षर होगा उसको पूरा बना दो, आधा ता है पूरा बना दो, ठीक। और ये वाला पहला वैसे उतार लो और छोटी की मात्रा लगा दो, बस अति, ठीक। आगे देखो, निर निर्भय निर्वास निराकरण, निर से बनेगा निर्भय निर्वास निराकरण। दुष दुष्कर्म दुस्साहस, उपकूल उप जो उपसर्ग है उससे उपकूल उपकार उपदेश बनेगा, उपवन बनेगा। और संप्रत्याहार, अब देखो एक देखो संप्रत्याहार, जैसे हमने कहा संकल्प, अब ध्यान रखना जो बिंदी होती है, जो बिंदी होती है इसका आधा मा बन जाता है, ये हो जाता है सम। देखो संकल्प का सम, संतोष का सम, संयोग का सम। प्रति से बनेगा प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रतिपल। प्रा से बनेगा प्रकाश, सम से बने प्रचार प्रयोग। परा से बनेगा पराजय, पराक्रम, अपमान, अपहरण, ठीक है। ऐसे तो ध्यान रखना कि ये आधे अक्षर वाले, आधे अक्षर वाले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। जो आधे अक्षर वाले आते हैं उपसर्ग, वे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आपको करना ही पड़ेगा। कैसे आप पहचानेंगे कौन सा उपसर्ग है? जैसे हमने कहा, देखो आधे अक्षर हमने कहा अध्ययन, कौन सा उपसर्ग होगा? अभी मैंने बताया था जब दूसरे नंबर पे आधा अक्षर हो तो इसको पूरा बना लो और इसको सेम लिख लो पहला वाला और छोटी की मात्रा लगा दो आदि, समझ रहे हो ना? इस तरह आपको करना है, ठीक। उपसर्ग प्रत्यय बाद में लगते हैं, प्रत्यय बाद में आपके लगेंगे। कैसे? देखो प्रत्यय बाद में लगते हैं, जैसे हमने कहा आवट, ये आवट प्रत्यय है, तो एक शब्द नो लिखावट, लिखावट में कौन सा प्रत्यय होगा? आवट। इसी तरह देखो बाद में लगते हैं, आवट से लिखावट बनेगा, मिलावट बनेगा, सजावट बनेगा, ठीक। आवा से छलावा, जैसे हमने कहा छलावा, छलावा में प्रत्यय कौन सा? छलावा, आवा, ऐसे, ठीक है। होनहार, हार में हार प्रत्यय से होनहार, अक से हिंसक, पाठक पाठक, दायक, इक से वार्षिक। अब देखो वार्षिक, इसमें बड़ी इक नहीं है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा है तो हम छोटी ही लिखेंगे, अगर बड़ी होती तब हम बड़ी इक लिखते, ध्यान रखना, ठीक। वार्षिक, मानसिक, दैहिक, अब बड़ी ये है, जैसे हमने कहा भवदीय, इसमें प्रत्यय क्या होगा? देखो बड़ी है तब हम बड़ी यहां करेंगे, ई प्रत्यय, ठीक। ई भारती, ईन कुलीन, प्राचीन नवीन, त्व प्रत्यय गुरुत्व लघुत्व अपनत्व, आई पढ़ाई सिलाई, आस प्रत्यय मिठास खटास, आहट कड़वाहट, आहट से कड़वाहट, चिकनाहट घबराहट। भाई इसी से आएगा, आप ये ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर देगा तो यहां से पहले देगा, इच्छा हो तो लिखना, नहीं तो कोई बात नहीं, ये जरूर पढ़ के जाना, समझ रहे हो आपको? ये उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, ठीक है। अच्छा आगे आगे देखो, महत्वपूर्ण रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना और रट डालना। रामबाण, देखो आनंद कादम्बनी के रचयिता प्रेमघन, मृगावती के कुतुबुन, आचार्य की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह, आधे अधूरे मोहन राकेश, बीजक कबीर की है, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट की है, तदी समाज, तदी समाज भारतीय हरिश्चंद्र का है, मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृतायन का है, वेद व्यास महाभारत और भगवद गीता है वेद व्यास की, वाल्मीकि की रामायण है, कौटिल्य की अर्थशास्त्र है, पाणिनि की अष्टाध्यायी है, जयदेव की गीत गोविंद है, वाण भट्ट की कादम्बरी है, हरचरित्र की, वाण भट्ट की कादम्बरी और हरचरित्र है, कलहण की राज तरंगड़ी है, भरत मुनि की नाट्य शास्त्र है, छूद्रक मृच्छ कटक है, राजशेखर की काव्य मीमांसा है, सुबुध की वास वदत्ता है, भवभूत की उत्तरामचरित है, राजशेखर की कर्पूर मंजरी है, विश्व शर्मा की पंचतंत्र है, क्षेमेंद्र की कवि कंठ भरण है, मोहन राकेश की अषाढ़ का एक दिन और लहरों का राजहंस है, तुलसीदास की रामचरित मानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली, गीतावली, भरवय रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रमाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाचु, वैराग संदीपनी, इनकी एक रचना आती है, ठीक। अब देखो आगे, हाँ वैराग संदीपनी, प्रेमचंद की गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, मंगल सूत्र, सेवा सदन, कर्म भूमि,
निर्मला रंगभूमि मानसरोवर जयशंकर प्रसाद की कामायनी है। आंसू, लहर, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, द्रुस्वामिनी, इरावती, आकाशदीप और महादेवी रमक देखो, नीरजा, निहार, रश्मि, यामा, हिमालय, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, सांदगीत है दिनकर की, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, संसकत के चार अध्याय, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, रेती के फूल, ये आए हुए हैं एग्जाम में पूछे गए हैं, कलेक्शन है ये आने वाले एग्जामों के लिए, लिखना जरूर, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी भाषा, वृक्ष, काल, पत्य, वर्ण विचार, हिंदी इंग्लिश रूपांतरण, उपसर्ग प्रत्यय, शुद्ध शब्द हो गया, लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, विराम चिन्ह हो गया, वचन हो गया और निपात हो गया, अव्यय हो गया, ठीक है। आगे आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कारक। कारक पे आइए हम बढ़ते हैं, कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कारक, कारक से आप, कारक अगर आपको कारक पता चलेगा तभी आप तत्पुरुष समास कर पाएंगे, कारक पता चलेगा तभी तत्पुरुष समास कर पाएंगे, अन्यथा तत्पुरुष समास नहीं कर पाएंगे। कारक ही जो है तत्पुरुष समास का ज्ञान है, ध्यान रखना। अच्छा, आगे कारक देखो, कारक के आठ भेद हैं, हिंदी में कारक आठ हैं और संस्कृत में छह हैं। कारक कौन कौन से हैं? कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रारीवे, अधिकरण में पर के बीच, के भीतर, के मध्य, संबोधन, हे अरे, ठीक है। तो ये कारक ध्यान रखना, कारक जब ही पहचानोगे जब विभक्तियों का ज्ञान होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, के साथ, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर के बीच, के भीतर, के मध्य, संबोधन है अरे, ये आपको रखना पड़ेगा। ये आता है तो आपको कारक पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यहाँ तत्पुरुष समास भी आपको मिलेगा इसके, ठीक। अब कर्ता ने, मतलब कर्ता ने जो कर्ता काम करेगा, जैसे हमने कहा कि श्री कृष्ण ने बंसी बजाया, तो इसमें देखो श्री कृष्ण ने बंसी बजाया, देख लो श्री कृष्ण ने बंसी बजाया, तो ने आ गया तो क्या हुआ कर्ता कारक। कर्म को हमने कहा श्री कृष्ण बंसी को बजाया।